नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रामनाथ कोविंद के बारे में। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन जाएगी। इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 23 जुलाई को देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के दो दिन पहले उनका सामान नए बंगले में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं 25 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में उनको विदाई दी जाएगी, जब देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। यानी कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी और उसी समय जो है रामनाथ कोविंद का वो आखिरी दिन होगा और वो राष्ट्रपति भवन में उनका विदाई का दौर चलेगा। ऐसे में आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर रामनाथ कोविंद का नया बंगला कौन सा होगा, उस बंगले की खासियत कौन सी होगी, साथ ही साथ नया बंगला इसकी खासियत क्या है, साथ ही साथ कोविंद को कितना पेंशन मिलेगा और किस किस तरह की सुविधाएँ उन्हें एक्स यानी कि पूर्व राष्ट्रपति बनने के बाद कौन कौन तरह की सुविधाएं जो है उनको मिलने वाली है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रिटायर होने के बाद दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगला आवंटित किया गया है। यह वही बंगला है जिसमें पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान रहा करते थे। रामविलास पासवान इस बंगले में 2 दशक तक रहे। उनके निधन के बाद उनका बंगला खाली हुआ, जिसके बाद अब देश के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के नाम से यह बंगला अलॉट कर दिया गया है। बता दें कि इस बंगले का पूरा रूप ही बदल गया, यानी कि इस बंगले को फिर से नया करने की कोशिश की गई है, यानी कि उसमें सजावट नए तरीके से किया गया है। आपको बता दें कि इसी बंगले के बगल में यानी कि 10 जनपद पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है। अब बात कर लेते हैं रामनाथ कोविंद के रिटायर होने के बाद किस किस तरह की मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ साथ 60,000 रुपये प्रतिमाह सेक्रेटेरियल स्टाफ और ऑफिस खर्च के लिए उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से दिए गए बंगले का पूरा किराया भी उन्हें फ्री रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद को 2 लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ बिजली और पानी का बिल भी उन्हें दिया जाएगा, जो कि मुफ्त होगा। इसके साथ ही साथ ड्राइवर और कार की सुविधा भी रामनाथ कोविंद को मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से फ्री होगी। ट्रेन और हवाई यात्रा मुफ्त होगी। पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ एक अन्य स्टाफ को भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, यानी कि आप जब यात्रा करेंगे तो इस दौरान ट्रेन हो या फिर हवाई यात्रा हो, इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद के साथ एक स्टाफ जो है वो साथ में सफर कर सकता है। साथ ही साथ 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ होगा। इसके अलावा कई सुविधाओं से युक्त मुक्त गाड़ी दी जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी को दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनके 2 सचिव जो है उनके साथ नियुक्त किए जाएंगे। तो एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि 14वें राष्ट्रपति देश के रहे, उनका जो है जब रिटायरमेंट हो जाएगा राष्ट्रपति के रूप में, जब द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कर लेगी, उसके बाद जो है पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर जब रामनाथ कोविंद होंगे, तब जो है उन्हें 12 जनपद स्थित जो बंगला है, जो कि इससे पहले रामविलास पासवान के नाम से अलॉट था, वो जो है रामनाथ कोविंद के नाम से अलॉट हो गया है। तो ऐसे में जैसे ही द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनेगी, वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद 12 जनपद स्थित अपने आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सामान जाने की प्रक्रिया की एक तरह से कहने की शुरुआत हो गई है, बस औपचारिकता भर है और 25 जुलाई का वो दिन होगा जब पूरी तरीके से रामनाथ कोविंद जो है 12 जनपद स्थित उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद जो है उनको कई तरह की सुविधाएँ उस बंगले में भी दी जाएगी, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें कि कई तरह 1.5 लाख का उनका जो है पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य जुड़ी सुविधाएं होंगी और भी कई तरह की सुविधाएं जो है उनके साथ मिलने वाली है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।